दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार के जाने माने लाल बाबू की लाइफ की एक सच्ची कहानी, जिसे मेरे मित्र और मेरे कुछ मित्र और कुछ मेरे दोस्त अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी भी कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लाल बाबू एक साधारण सा स्टूडेंट था, स्टूडेंट है। दोस्तों लाल बाबू का घर बिहार के गया जिला में एक रिसोर्ट नाम का बस्ती है जो चाकन के पास पड़ता है, वहीं पे इसका घर है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है ना लाल बाबू, उसका घर बिहार के गया जिला चाकन के पास रिसोर्ट एक बस्ती है वहीं पे है। दोस्तों लाल बाबू एक बहुत ही हिटलर सिंगर एवं भोजपुरी मैथिली और हिंदी गाना गाते हैं, जो कि आप लोगों ने लाल बाबू का गाना जरूर सुने ही होंगे। लाल बाबू का उम्र मात्र 10 साल के समथिंग है, जिन्होंने लाल बाबू बचपन से ही सिंगिंग में लगाव रखते थे और अपने दोस्तों के छोटे छोटे दोस्तों के साथ गाना भी गाते थे। एकदम मुंह से नेचुरल आवाज में गाना गाते थे, जो कि उसके दोस्त और आसपास के सभी दोस्त और आसपास के लोगों को भी बहुत पसंद आते थे और उनके गानों को बहुत सारे प्रशंसा भी करते थे। उसी समय की बात है दोस्तों, गांव में साप्ताहिक भजन जैसे कि शिव चर्चा हुआ करते थे, उसी में लाल बाबू जाते थे मनोरंजन के लिए और उसी के साथ अपने गाना को प्रस्तुत करते थे और वहां के दर्शक लोग को बहुत काफ़ी पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे लाल बाबू का नाम एकदम विकसित होने लगा, लोग जानने लगे और ऐसा होने लगा। तभी उसी समय से लाल बाबू ने गाना को स्टूडियो में गाने का प्लानिंग किया। उसी समय उसके घर वालों ने मदद की और उनके साथ और भी लोगों हैं जो लाल बाबू को बहुत सारे मदद किए हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। जिसका नाम है लाल बाबू, वह एक स्टूडियो में गया और गाना गाया, जिसका राइटर करण अर्जुन जी थे। और इसके बारे में लाल बाबू अपने मुख से यानी मुंह से काफी प्रशंसा भी करते हैं, जिसके डायरेक्टर करण लाल यादव जी थे और जिसके कारण धीरे धीरे लोग उसके गानों को पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के आस पड़ोस के सारे स्टेट एवं जिलों में एकदम डीजे और हर जगह पे धूम मचाने लगा और लाल बाबू स्टेज प्रोग्राम भी करने लगे और लाल बाबू की अर्निंग भी होने लगी। दोस्तों एक प्रोग्राम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ भी किया, जिसमें कि नीतीश कुमार जी ने उस लाल बाबू को कुछ अवार्ड एवं उसके बारे में बहुत सारे प्रशंसा भी किए थे, जिसके कारण लाल बाबू के माता पिता और भाई बहन जो भी है उसके घर के सारे लोग बहुत खुश हुए। वैसे भी लाल बाबू का गाना मुझे भी बहुत पसंद है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाल बाबू को आप लोग बहुत प्यार करते हैं ना। तो दोस्तों जिस तरह आप लाल बाबू को बहुत प्यार करते हैं, उसके वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह दोस्तों अपना समझकर हमारे वीडियो को लाइक करिए। और हमारे YouTube चैनल अमित ए फॉर यू पे पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल अमित ए फॉर यू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ।